हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में जो पहला न्यूज हमारे काम की चीज़ है, ऊपर देखिए पॉलिटिकल न्यूज है। हमारे काम की न्यूज़ इसमें जो है वो ये है, यहाँ पे देखिए कलेजियम सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, ये न्यूज़ क्या है वो हमारे उतने ज़्यादा काम की नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि लोकुर जो एक्स जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कहा है कि कलेजियम सिस्टम जो है वो बेस्ट है, इसमें कुछ फेरबदल, ट्विकिंग का मतलब होता है फेरबदल करना, फिर कुछ फेरबदल की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए यूपी का जो पीसीएस का मेंस का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रॉबिबिलिटी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम करवा रहा है, वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो भी न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उसको मैं पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे आज देखिए, आज इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कलेजियम सिस्टम का क्या मैटर है। ठीक है, और ये इतना न्यूज में क्यों है, ठीक, और इसका एवोल्यूशन क्या है। तो अगर हम कलेजियम सिस्टम की बात करें कि ये कलेजियम सिस्टम क्या है, तो सिंपल सा मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, इसमें कलेजियम सिस्टम का प्रोसीजर अपनाया जाता है। कलेजियम का मतलब होता है कि कई सारे जजेज होते हैं, लगभग 5 जजेज होते हैं, उनकी एक बेंच होती है और वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, उनका ट्रांसफर करते हैं हाई कोर्ट के जजों का। ठीक है, ये सब काम है। अगर एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज इज कंसर्न्ड, आर्टिकल 124(2) ये कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में ये कहता है कि उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, और ये जो प्रेसिडेंट करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज होंगे जिनके कंसल्टेशन से करेंगे। ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति की बात हो रही है, तो मतलब कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेज होंगे जिनके कंसल्टेशन पे ये नियुक्ति करेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का उसमें अगर नियुक्ति की जा रही है, तो उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब CJI जो है, उसका जो कंसिडरेशन होगा, उसकी सहमति या उसका जो विचार है उसको प्रेसिडेंट ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो ये बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है वो ये है कि अंडर आर्टिकल 124(2). ठीक है, लेकिन धीरे धीरे देखिए, इसको शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि बाद में ये धीरे धीरे क्या होता गया कि आप लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, उसमें थर्ड जज केस, फोर्थ जज केस, इस तरह के केसेस मिलेंगे आपको उसमें। तो उसमें धीरे धीरे ये क्या हुआ कि जो सेकंड जज केस हुआ 1993 में, उसमें ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का CJI है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसका जो कंसिडरेशन है वो काफ़ी महत्व रखता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि 1993 के बाद जो चीफ जस्टिस का कहना था, जो वो मानते थे, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखने लगा किस चीज़ में, अपॉइंटमेंट में। ठीक है, और धीरे धीरे ये सिस्टम इतना बढ़ गया कि आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि CJI जिसको चाहता है उसी को अपॉइंट करता है। ठीक है, मतलब कि पहले की जो व्यवस्था थी, अगर उसमें देखिए प्रेसिडेंट आता था तो एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट जरूर होता था, एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इस तरह का सिस्टम डेवलप हो चुका है कि प्रेसिडेंट बस केवल एक मुहर भर लगाता है, बाकी जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो इस तरह के जो ये कलेजियम सिस्टम है, इसका ये इशू है। ठीक है, इसका ये इवोल्यूशन है, इस तरह समझ लीजिए आप। अगर इवोल्यूशन के बारे में देखिए, थोड़ा बहुत हम आपको केवल ये एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम आपको दे रहे हैं, बाकी चीज़ें जो आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे तो आपको मेरी बातें जब याद आएंगी तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इससे इशूज, अगर देखिए अगर इसमें कोई इशूज नहीं है, चलो ठीक है, अगर CJI के कहने पे ही जजों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन अगर वो पारदर्शी हो रही है, मतलब फेयर हो रही है, ठीक है, और अकाउंटेबल मैनर से हो रही है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि इशूज क्या हैं इससे, तो सबसे पहला इशू यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा ओपेसिटी है, मतलब अपारदर्शिता है, और अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व की कमी दिखाई देती है। ठीक है, ये तो पहला इशू हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरे इशू की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है उनके अपॉइंटमेंट में। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है कि जो इंटर इंस्टीट्यूशनल स्पिरिट है, मतलब कि जितने भी संस्थान हैं सबके कोऑर्डिनेशन में काम होगा, ठीक है, तो वो उस चीज को हम अंडरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के आगे अगर हम बढ़ें तो एक तो हम कोऑर्डिनेशन को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, दूसरा जो चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है संविधान, ठीक है, संविधान जो चेक्स एंड बैलेंस के बारे में बोलता है, उस चीज़ को हम अंडरमाइन करते हैं इस कलेजियम सिस्टम के
थ्रू अगर होती है तो। और अगला अगर आर्ग्यूमेंट और ये दिया जाता है कि जो वैकेंसीज हैं, आप देखिए जुडिशरी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और जिसकी वजह से केसेज पेंडिंग में है, ठीक है, केसेज की सुनवाई टाइम पे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये कि टाइमली जस्टिस जो है डिलीवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका जो वैकेंसी है इसका एक कारण ये भी है कि इनका अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा इस समय मेन जो चल रहा है इशू, यही चल रहा है कि एलिवेशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। होता क्या है कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं, आप जानिए कि 24 हाई कोर्ट्स ऑलमोस्ट हैं, ठीक है। तो इनमें एक सीनियरिटी होती है, एक सीनियरिटी के हिसाब से रैंकिंग होती है, रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, रैंक फोर, रैंक फाइव, ठीक है। तो ये सीनियरिटी होती है, ठीक। तो इसका ये नियम है कि हाई कोर्ट के जजेस में जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट किया जाएगा उसको, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंट पीरियड में क्या देखा गया, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि कर्नाटका के जो जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उनका एलिवेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट में ले आके किया गया कि और उनका जो रैंकिंग थी वो शायद 33rd थी, इसको कन्फर्म कर लीजिएगा। इस सीनियरिटी के रैंकिंग में वो 33rd नंबर पे आते थे लेकिन उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया, ठीक है। तो ये इशू, मेन इशू इस समय चल रहा है। तो अगर देखिए, अगर इसको हम क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में हम देखें तो क्वेश्चन बनेगा कलेजियम सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसका एवोल्यूशन बताइए और इससे रिलेटेड इशूज क्या है, ठीक है, इशूज क्या है और वे फॉरवर्ड बताइए, ठीक है। तो इसको सजेस्ट करिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि कलेजियम सिस्टम क्या है, हमने बता दिया। एवोल्यूशन क्या है, ये हमने बता दिया कि इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जज केसेज हुआ था और फाइनली जो हुआ था, मतलब कि जो कलेजियम सिस्टम अपना स्पेस लिया वो था सेकंड जज केस 1993 का। उसके बाद हमने देख लिया इशूज क्या है इससे रिलेटेड, तीन चार इशूज हमने देख लिया। अब बारी है वे फॉरवर्ड की, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो वे फॉरवर्ड एक ही देना है सबसे पहले नंबर पे, उसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट आता है तो दे सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला आपका वे फॉरवर्ड होगा वो होगा NJAC, ठीक है, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। ये इसके बारे में 2013 में बिल भी आया था पार्लियामेंट में लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, ठीक है। ये सब कहानी आप इसमें लिख सकते हैं लेकिन वे फॉरवर्ड के रूप में आप NJAC को दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस टॉपिक पे आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगले अगर न्यूज की हम बात करें, देखिए आज का जो दिन है ना, इस दिन मतलब हफ्ते में एक दिन काफी ज्यादा न्यूज आती है तो थोड़ा सा आज टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप पेशेंस बनाए रखिए, ठीक। तो मे बी थोड़ा लॉन्गर पीरियड होगा, ये जनरली 20 से 22 मिनट का होता है, तो हो सकता है आज का मेरा 25 मिनट का हो जाए, ठीक है। तो आप उसको देखते रहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अगर है न्यूज़पेपर में तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। देखिए एक ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, इसरो टू लॉन्च मिलिट्री सेटेलाइट टुनाइट, आज 11:30 पे, मतलब 11:35 पे आज रात में एक इसरो लॉन्च करेगा सेटेलाइट जिसका नाम है माइक्रोसैट आर, और इसके साथ साथ एक और आएगा जिसका नाम है कलाम सैट, ठीक है। तो इसमें देखिए जानने वाली चीज़ क्या है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए माइक्रोसैट आर, ठीक, कलाम सैट और पीएसएलवी C-44 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, कहाँ से, सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, ठीक है। तो ये सब जो हमारा क्या कहते हैं कि पीटी के बेस पे ये हमारा नॉलेज है, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो ये शायद इनका जो है PSLB का शायद ये, एक सेकंड मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि शायद ये 46th उड़ान होगी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि 40 PSLV C-44, ठीक है, इससे ये लॉन्च किया जाएगा और कलाम सेट इसके साथ जाएगा जो 1.2 kg का है, ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पैन है, मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो केवल 2 महीने की है और इसको बनाने में 12 लाख रुपया लगा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए, ये सब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं पे भी इसको पढ़ सकते हैं लेकिन मेरा मेन पर्पज है यहाँ पे वो है मेंस तैयार करना, ठीक है। अगर माइक्रोसैट आर जो एक मिलिट्री सेटेलाइट है ये लॉन्च होता है तो भारत को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा या फिर इस तरह के सेटेलाइट्स का इम्पॉर्टेंस क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि इस तरह के मिलिट्री सेटेलाइट से हम बॉर्डर, जैसे हमारा जो बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर के बाहर भी हम टोह ले सकते हैं, मतलब छानबीन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ये हमारा पहला इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। अगर इसमें हम दूसरा इम्पॉर्टेंस देखें तो नाविगेशन, मतलब कि मिलिट्री व्हीकल्स जो होती हैं उनके नाविगेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। देखिए एक दो चीज़ें होती हैं, एक सिविलियन सेटेलाइट होता है, एक आर्मी सेटेलाइट या मिलिट्री सेटेलाइट होता है,
है तो सिविलियन सेटेलाइट को हर कोई एक्सेस कर सकता है, ठीक है, आप भी हम भी, जैसे हमारा जीपीएस वगैरह है, ठीक है। और दूसरा जो मिलिट्री सेटेलाइट होता है उसको केवल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही एक्सेस कर पाती हैं, उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो नेविगेशन को लेकर के है, ठीक है, मतलब कि जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, सबमरीन्स हैं और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स हैं, ये सब स्पेस क्राफ्ट्स हैं, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हम उसको नेविगेट कर सकते हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंस है कि अर्ली वार्निंग, कोई भी अगर डेंजर आता है, कोई भी इस तरह की वार्निंग आती है, कोई थ्रेट आता है, तो उसको हम आसानी से अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे, पहले से ही डिटेक्ट कर लेंगे तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे उससे लड़ने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर अगला इंपॉर्टेंस हम देखें तो एक एक कंसेप्ट है आज के, मतलब कि आज के काफ़ी टाइम पहले जो यूएस गवर्नमेंट थी वो सैटेलाइट वेपन की बात कर रहा था, ठीक है, सैटेलाइट वेपन की। सैटेलाइट वेपन मतलब कि लड़ाई लड़ो आप लेकिन सैटेलाइट के थ्रू। और आज के ज़माने में अगर हम देखें तो चाइना इसमें बहुत आगे निकल चुका है और यूएसए बहुत आगे निकल चुका है। तो इस आर्डर में अगर वर्ल्ड पावर में, वर्ल्ड में अपना स्पेस बनाए रखना है तो इंडिया को इस तरह के सैटेलाइट्स डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो मतलब कि सैटेलाइट वेपन के डेवलपमेंट में भी ये इस तरह के सैटेलाइट्स हमारा मदद करेंगे, इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, स्पेशली मिलिट्री कम्युनिकेशन। देखिए कोई भी एक्शन जब आप लेते हैं तो वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन आपका कितना तेज है और कितना एक्यूरेट और रियल टाइम पे है, ठीक है। मतलब ये कि मान लीजिए कोई थ्रेट हमको, हमने आइडेंटिफाई किया लेकिन उसको बताने में हमको 2 घंटे लग गए अपने हेडक्वार्टर पे, हेड ऑफिस पे, ठीक। अब फिर हेडक्वार्टर से कोई आदेश आया और वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने में, एग्जीक्यूट होने में 2 घंटे लग गए, ठीक है। मतलब कि 2 घंटे इधर, 2 घंटे इधर, 4 घंटे में तो आप सोचिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ बदल जाएगी अगर कोई इस तरह की न्यूक्लियर वार या इस तरह का कोई वार होता है, कोई मिसाइल आती है तो, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि कम्युनिकेशन के लेवल पे इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी के तहत अगर आप देखिए तो कोमकासा एक एग्रीमेंट है जो अभी इंडिया ने यूएस के साथ साइन किया है, वो एक कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एग्रीमेंट उसका नाम ही है, तो वो कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ही ये एक एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह के इंपॉर्टेंस है। और कंक्लूजन में अगर आपको लिखना है तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, इफ इंडिया वॉन्ट्स टू बिकम अ ग्लोबल पावर इट मस्ट हैव द सॉफ्ट पावर एज वेल एज हार्ड पावर इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वाले टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो चलते हैं एडिटोरियल पेज पे। देखिए इलेक्टोरल इंटरवेंशन दैट हैज़ क्लिक, ये देखिए ईवीएम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर देखिए ईवीएम के बारे में क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल है कि, और पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि अगर ईवीएम के बारे में क्वेश्चन आता है तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं है, बस केवल ये हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या स्टेप्स इसके लिए लिए हैं ताकि हमारा ईवीएम जो है सिक्योर रहे, ठीक है। हालाँकि ये कहा जा रहा है कि इसको टेम्पर किया जा सकता है, इसको हैक किया जा सकता है, लेकिन ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा बोलते हैं, कोई भी टेक्निकल व्यक्ति आज तक ऐसा कुछ नहीं बोला है। हालांकि बहुत सारे दावे किए गए कि हम हैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला इशू देखिए हम बाद में भी अगर देखेंगे तो इसमें अभी बहुत ये आएगा और इस पर हम बाद में भी प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एडिटोरियल में हम जो आज हम ले रहे हैं, देखिए ये वाला जो एडिटोरियल है ये इंडिया के हेल्थ के बारे में, हेल्थ सेक्टर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने जो फोकस किया है हेल्थ सेक्टर पे, उन्होंने केवल बजटरी एलोकेशन पे फोकस किया है कि हमारे यहाँ जो बजटरी एलोकेशन है, मतलब कि जो पैसा एलोकेट किया जाता है हेल्थ सेक्टर के लिए, वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन मैं इस वाले टॉपिक को आज पूरी तरह से क्लियर कर देना, पूरी तरह से क्या मतलब कि अपनी तरफ से मैं पूरी तरफ से पूरी पूरा क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। तो देखिए इसमें जैसे प्राइमरी सेक्टर की अगर हेल्थ सेक्टर की हम बात करें तो हमारा जो कंडीशन है वो बहुत डिसमल है, ठीक है। अभी भी डिसमल इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि आप कोई भी इलाज करने जाते हैं तो आपकी जेब से पैसा खर्च होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं करती है, हालांकि आयुष्मान भारत योजना जो आई है अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो इस तरह से आपके पॉकेट से पैसा खर्च होता है उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये टर्म आप याद रखिएगा कि हो सकता है कि एग्जाम में सीधा सीधा यही टर्म आपको उठा के दे दे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारे हेल्थ सेक्टर में चैलेंजेस क्या क्या हैं, देखिए मेनली देखिए हेल्थ सेक्टर का चैलेंजेस पूछेगा और वे फॉरवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज यही है कि लैक ऑफ द फंड, ठीक है, पैसा हमारे पास नहीं है इतना, ठीक है, पैसा हम एलोकेट नहीं करते हैं, हमारी गवर्नमेंट एलोकेट नहीं करती है, ठीक है।
और उसके साथ साथ पॉलिसी इंटरवेंशन, ठीक। अगर हम देखिए, अगर हम पैसे की बात करें, पहले पहले अगर हम पैसे की बात कर लें तो ये देखा गया कि 2014, ठीक है, 2014 में ये 0.8% ऑफ जीडीपी ये एलोकेट किया गया, ठीक है। और देखिए दो अभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है 2017 में, जिसमें 2.5% आप बजट एलोकेट करने की बात की गई है, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकल के आया है वो लगभग 1.1% के आसपास आया है, ठीक है। मतलब कि 1.1% ही खर्च किया गया है, जबकि एलोकेट कितना हुआ है 2.5% ऑफ द जीडीपी, ऐसा प्रोविजन है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, ठीक है। तो इस सीधा सीधा ये दिखता है कि फंड का एलोकेशन जो बजट में बोला जा रहा है वो भी नहीं हो पा रहा है और उतना स्पेंड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो लैक ऑफ फंड है हमारे यहाँ जो पहला चैलेंज है, ठीक है। दूसरा चैलेंज है कि पॉलिसी इंटरवेंशन, अगर हम पॉलिसी की बात करें हेल्थ सेक्टर को लेके, तो एक नेशनल हेल्थ मिशन जो बहुत ही चला रूरल और अर्बन दोनों में, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी बढ़िया या स्ट्रेंथनिंग रोबस्ट कोई नेशनल पॉलिसी या स्टेट पॉलिसी हेल्थ के सेक्टर में नहीं पाते हैं, इसका मतलब कि लैक ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब पहला चैलेंज, फिर दूसरा चैलेंज, फिर तीसरा चैलेंज अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द वेरी डिसमल कंडीशन। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें, तो जैसे आपके जो ब्लॉक लेवल पे होता है और जो गांव के लेवल पे होता है, वहाँ पे आप जाइए तो वहाँ पे बेसिक मशीनरी आपको नहीं मिलती है, बेसिक मशीन्स नहीं मिलते हैं आपको, डॉक्टर्स डेली नहीं बैठते हैं, और छोटी छोटी जो दवाएँ हैं, ठीक है, मेडिसिन वहाँ पे आपको नहीं मिल पाती हैं। इवन बुखार की दवा लेने जाइए तो वो भी आपको लिख देंगे कि बाहर से लीजिए, ठीक है। तो मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ही बुरा कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। तो तीसरा ये चैलेंज है, ठीक है। चौथा जो चैलेंज है वो है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स का ये फ्रॉम द टॉप टू ग्राउंड लेवल, मतलब कि अगर हम अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल को मान लीजिए, टर्सियरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है। डॉक्टर्स नहीं है और स्पेशलाइज्ड स्किल्ड उनके अंदर नहीं है। और अगर यही प्राइमरी हेल्थ सेक्टर पे आप आ जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आप चले जाइए, तो वहाँ पे आपको नर्स का भी अकाल दिखेगा। मतलब कि जो छोटे छोटे नर्स होते हैं, जिनका केवल जो केवल ट्रेंड होके केवल नर्सिंग के काम के लिए होती हैं, उनका भी लैक है पूरी तरह से, वो नहीं है वहाँ पे, वैकेंट है सीटें, ठीक है। और उसके साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे तो आप देखिए डॉक्टर भी नहीं होता है वहाँ पे। मैं एक केस स्टडी बताता हूँ, मेरे गांव में जो ये प्राइमरी सेक्टर का हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर साहब हैं जो वो हफ्ते में केवल 3 दिन बैठते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि अगर ये 3 दिन के अलावा चौथे दिन कोई बीमार हो गया तो क्या होगा, ठीक है। मतलब कि चौथा जो प्रॉब्लम है वो है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। और पांचवा जो सबसे और भी कंडीशन ख़राब करता है वो है हमारा R&D, ठीक है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर का हमारा बहुत ही पुअर कंडीशन है। और इसी से रिलेटेड देखिए, जब हेल्थ ये R&D तब बढ़ती है जब हमारे यहाँ पेटेंट रूल अगर अच्छा हो तो, ठीक है। पेटेंट रूल अगर अच्छा होगा तो लोग बेनिफिट लेने के लिए R&D में जाएंगे, ठीक है, PhD करने जाएंगे, रिसर्च करने जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि अभी इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि रिसर्च पेपर के मामले में इंडिया का दूसरा स्थान है, ठीक है। लेकिन ये दूसरा स्थान, चाइना पहले स्थान पे है, और ये पहले और दूसरे स्थान में जो डिफरेंस है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि चाइना में लगभग 37,000 रिसर्च पेपर एक साल में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इंडिया में केवल 12,000 होते हैं, 12,000 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अगर सेकंड रैंकिंग होने के बावजूद भी हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है। मतलब ये कि R&D हमारी बहुत बुरी कंडीशन में है, मतलब पांचवां चैलेंज आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो और चैलेंज है उसमें ये है फंक्शनरीज, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेज हैं। और अगर हम यहाँ पे अब अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, आगे अगर हम कंक्लूजन इस पे क्या देंगे, तो वे फॉरवर्ड में देखिए एक टर्म है, इसको आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। पहला आप ये लिखिए फंड, ठीक है, फंक्शन एंड फंक्शनरी, ठीक है, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, ठीक है। फंड का मतलब आप समझ रहे हैं कि पैसा, ठीक है। फंक्शन मतलब कार्य करने, मतलब ऑपरेशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन। फंक्शन हमको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनरीज मतलब जो कार्यकर्ता हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब हमारी आवश्यकता है, ये पहला वे फॉरवर्ड है, ठीक है। दूसरा अगर वे फॉरवर्ड के रूप में हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, जिसमें हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट, ठीक है, इनमें कोऑर्डिनेशन
ऑप्शन नहीं है। इवन अगर हम लोकल बॉडीज तक जाएं, ठीक है, लोकल बॉडीज तक जाएं, तो इसमें क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंटीग्रेटेड मैनर में ये काम नहीं करते हैं, ये टॉप डाउन अप्रोच में काम करते हैं। मतलब सेंटर ने जो कहा वो स्टेट करता है और स्टेट जो कहता है वो लोकल बॉडीज करती हैं, लेकिन जो हमारी ज़रूरत है वो क्या है कि इनका इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है और हॉरिजॉन्टल अप्रोच की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये दूसरा वे फॉरवर्ड है। अगर तीसरे वे फॉरवर्ड की बात हम करें तो आप पीछे जितने भी चैलेंजेस देखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो गया, R&D का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, R&D को स्ट्रेंथन करना, पेटेंट रूल को स्ट्रांग बनाना, ठीक है, जो WHO है उसके नॉर्म्स को लागू करना यहाँ पे, ठीक है, और SDG का जो गोल सेकंड है उसको लागू करना, ये सब चीज़ें हम वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला भी क्या कहते हैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इस पर क्या क्या लिखना है, ठीक है। और इसी वे फॉरवर्ड में अगर आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिखना चाहते हैं कि रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो उसमें आयुष्मान भारत आयोग, जन आरोग्य योजना, इस तरह की योजनाएं, आप जितने भी स्कीम्स हैं 2-4 स्कीम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपका आंसर बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक पर हम बात करें कि हमारा क्या तैयार हुआ, तो सबसे पहले ये तैयार हुआ कि हमारा हेल्थ सेक्टर का चैलेंज क्या है, ठीक है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है और गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी चल रही हैं हमारे हेल्थ सेक्टर को ठीक करने के लिए, ठीक है। देखिए अगर हेल्थ हमने जो देखा उधर कि पेटेंट और रिसर्च वाले में, उसमें आप जब स्कीम्स सर्च करिएगा तो आपको बहुत सारी स्कीम्स ऐसी मिलेंगी जिसमें हम बाहर के डॉक्टर्स या बाहर के साइंटिस्ट के साथ कोलेबरेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसे एक शायद ज्ञान करके ऐसे एक स्कीम चलाई जा रही है। तो इस तरह की स्कीम्स हैं जो जिसको आप अपने वे फॉरवर्ड में मेंशन करके अपने आंसर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए एक ये द हार्ड पावर इम्परेटिव, देखिए ये वाला न्यूज मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए कुछ टर्म्स हैं। एक टर्म्स ये है इंसेक्ट एलाइज, एक टर्म ये है, ठीक है। दूसरा है एग्रीकल्चरल वारफेयर, ठीक है, दूसरा ये है। और तीसरा इंडिया का सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर, इसकी बात की गई है। तो इस एडिटोरियल को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें देखिए एडिटोरियल में ये लिखा गया है कि USA का एक डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जिनसे US की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप ऐसे इंसेक्ट्स को डेवलप कीजिए जिसके माध्यम से हम वायरस, जो हमारा बायोलॉजिकली मॉडिफाइड जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें हम वायरस इंजेक्ट करके कुछ ऐसे रेजिस्टेंट या कुछ ऐसे क्रॉप्स हम बना सकें जो कि हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा हो, ठीक है। लेकिन अब इशू यहाँ पे ये है कि जिस एजेंसी को ये काम दिया गया है वो है डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड। तो हो सकता है कि वो ऐसे वायरस का डेवलपमेंट करे या फिर ऐसे जीन का डेवलपमेंट करे कि जो कि अगर दूसरे देश में लेके जाके डाल दिया जाए तो वहाँ का एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के अगर इस तरह का वारफेयर हो रहा है जिसमें एग्रीकल्चर क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे वारफेयर को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल वारफेयर, ठीक है। तो ये देखिए दो टर्म आप याद रखिए, इंसेक्ट एलाइज क्या है, हो सकता है PT में सीधा सीधा पूछ ले, जैसे अभी 2018 में सीधा पूछ लिया था कि थर्ड क्या है, ठीक है, थर्ड क्या है, तो अब उस तरह से ऐसे पूछ लिया इंसेक्ट एलाइज क्या है, UPSC या UPPCS किसी में भी PT के लिए इंसेक्ट एलाइज क्या है, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद जो मेन आर्ग्यूमेंट हमारा आता है वो ये आता है कि अगर हम चाइना को ले लें, ठीक है, चाइना को ले लें और US को ले लें अपने स्टडी के लिए, ठीक है, तो चाइना भी बहुत ज़्यादा अगर हम मिलिट्रली उसको देखें तो पावरफुल हो गया है, ठीक है, और USA तो ऑलरेडी पावरफुल है ही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इंडिया को रखें तो किसी भी कंट्री को देखिए पावरफुल होने के दो कारण होते हैं, दो रीजंस होते हैं, पहला होता है उसका सॉफ्ट पावर, ठीक है, दूसरा होता है उसका हार्ड पावर, ठीक है। सॉफ्ट पावर में आप देखते हैं कि कल्चरल टाइज होते हैं, योगा वगैरह हो गया, ठीक है, रिलीजन वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के माध्यम से, या इन डायस्पोरा वगैरह हो गया, इस सब के माध्यम से अगर हम दुनिया में अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, अपनी पहुँच को बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं। लेकिन अगर मिलिट्री की वजह से हमारा पावर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको हार्ड पावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एडिटोरियल
आर्टिकल है, ये जो न्यूज है, इसके राइटर्स ये कहते हैं कि इंडिया सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुका है, ठीक है, अब जरूरत है उसको अपने हार्ड पावर को इम्प्रूव करने की, ठीक है। हार्ड पावर को बिना इम्प्रूव किए वो वर्ल्ड पावर, अगर जैसे हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश कर रहा है, तो वर्ल्ड पावर बनने में ये भी एक बहुत बड़ा इंपेडिमेंट होगा कि अगर हार्ड पावर के रूप में इंडिया डेवलप अपने आप को नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हार्ड पावर को डेवलप एज अ हार्ड पावर डेवलप होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत होती हैं, क्या 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 चीज़ें जरूरी होती हैं, तो उसमें सबसे पहले तो यही कि पॉलिटिकल विल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट है हमारा, वो इच्छा शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए कि हम अपनी हार्ड पावर को डेवलप करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मिलिट्रीली हम पावरफुल बनना चाह रहे हैं तो हम कोई भी चीज़ कहीं से खरीद के नहीं बन सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अभी हम मान लीजिए राफेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तेजस की बात कर रहे हैं, तो हम इसको खरीद के पावरफुल नहीं बन सकते हैं। ज़रूरत क्या है कि इसको हम डेवलप करें, ठीक है। और इस चीज़ को डेवलप करने के लिए दो चीज़ों की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो मनी, ठीक है, और दूसरा टाइम, ठीक है। देखिए डिफेंस में अगर हमको पावरफुल होना है तो हम ओवरनाइट नहीं हो सकते, एक रात में हम पावरफुल नहीं हो सकते, इसके लिए हमको डिकेड्स ऑफ टाइम लग जाते हैं, मतलब कि दसों साल लग जाते हैं, बीसों साल लग जाते हैं, ठीक है। चाइना को डेवलप करने में 15 साल लग गया, ठीक है, 1980 से 2005 तक, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि लगभग 25 साल के आसपास चाइना अपने आप को पावरफुल कंट्री के रूप में डेवलप किया। इसी तरह से अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए को भी डेवलप करने में 20 साल से ज़्यादा का टाइम लग गया पूरी तरह से डेवलप होने में, ठीक है। तो इस जो दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमको पैसा एलोकेट करना है डिफेंस में और टाइम देना है, जबकि अगर हम डिफेंस में एलोकेशन की बात करें तो ये कहा जाता है 2.5% या 2% के आसपास हम एलोकेट करते हैं, लेकिन ये यूज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि सबसे पहले पॉलिटिकल विल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ की खरीदने की बजाय हम अपने यहाँ डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है, और डेवलप करने के लिए हमको मनी चाहिए और टाइम चाहिए। इसके साथ साथ हमको स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब कि हमको साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है, साइंटिस्ट मतलब ह्यूमन रिसोर्स हम अपना डेवलप करें, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हम डेवलपमेंट करें, हम रिसर्च लैब वगैरह बनाएं, ठीक है, तब जाके क्या हो पाएगा, हम डेवलप कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर पैसे की बात करें तो करेंटली जो ऑन एन एवरेज देखा जाता है वो 0.63% ही केवल हम अपने डिफेंस सेक्टर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करें तो चाइना यहाँ पे 2.07% खर्च करता है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको पैसा और खर्च करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और उसके बाद अभी देखिए डिफेंस पॉलिसी भी आई है इंडियन गवर्नमेंट की 2018 की, ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, डिफेंस पॉलिसी 2018 की, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। और अगर ये देखा जाए कि अभी तक हम अपने डिफेंस सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए तो उसके पीछे कारण क्या था, सबसे पहला कारण आप यही देख सकते हैं कि पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है, कोई भी इशू आता है तो उसको हम पॉलिटिकली हाईलाइट करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के पर्पस से कम सोचते हैं, पॉलिटिकल के पर्पस से ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है उतना, ठीक है, स्किल्ड लेबर और साइंटिस्ट की कमी है, मतलब एक्सपर्टीज की कमी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कम है, ह्यूमन रिसोर्स की हमारे पास कमी है, और तो और जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंटर में, ठीक है, स्टेट में, ठीक है। देखिए फाइनली अगर सेंटर कोई काम करना चाहेगा तो उसको लैंड चाहिए, ठीक है, और लैंड स्टेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के साथ हमारा जो कोलेबरेशन है वो भी हमारा इतना अच्छा नहीं है कि हम डेवलप कर पाए, तो ये सब हमारी कमियाँ हैं। और उसके साथ साथ चौथा एक और इम्पॉर्टेंट कमी है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, एकदम मतलब जीरो के बराबर है। अभी जल्दी ही स्टार्ट हुआ है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इसमें, तो इसका कारण ये दिया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पर्पस से क्या करती है कि प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करती है, वो सोचती है कि डेटा लीक हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगा जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा, हालांकि ये एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो जब प्राइवेट, अभी आप यूएसए को देख लीजिए तो उसका ज़्यादा जो भी डिफेंस का डेवलपमेंट होता है सब प्राइवेट सेक्टर करती है, ठीक है। स्पेसएक्स आपने नाम सुना होगा, ये प्राइवेट ओन्ड कंपनी है, तो वही सारा डेवलपमेंट करती है। तो ये केवल मिसकंसेप्शन है कि अगर हम प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, तो
क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन लीक होगी और सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, ठीक है। तो अगर हम वे फॉरवर्ड के रूप में अगर हम देखें कि वे फॉरवर्ड में हमको क्या लिखना है, तो यही सब सारी चीज़ लिखना है कि हमको क्या क्या करना है, और प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट जब आता है, प्राइवेट प्लेयर जब कोई आता है तो अपने साथ फंड भी ले आता है, पैसा भी लेता है, मतलब इन्वेस्ट कर भी करता है, और मैन पावर भी ले आता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी ले आता है, अच्छी टेक्नोलॉजी ले आता है, क्योंकि उसको कम्पिटेटिव बनाना है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं प्राइवेट के इन्वॉल्वमेंट से, उससे क्या होगा, जो हमारी क्वालिटी होगी डिफेंस की, प्रोडक्टिविटी होगी, कम्पिटेंसी होगी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब आप वे फॉरवर्ड लिख रहे होंगे तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर डालिएगा, वेटेज दीजिएगा उसको, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला न्यूज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमको कुछ विशेष नहीं दिख रहा है, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब प्रियंका गांधी जी का तो आप समझ ही सकते हैं कि ये भी आ गई हैं अब उसमें, क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब देखिए एक ये है, एक न्यूज़ यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ कि कैबिनेट डिसाइड्स टू स्ट्रेंथन नॉर्थ ईस्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। तो ऑटोनॉमस काउंसिल्स क्या होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स्थ शेड्यूल में चार स्टेट्स के बारे में बात करता है, सिक्स्थ शेड्यूल, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, चार स्टेट्स की बात करता है, जहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स बोला जाता है, जिनके पास कुछ पावर दिया गया है, उनको ऑटोनॉमी दी गई है, किस किस क्षेत्र में, लेजिस्लेशन में वो कुछ नियम कानून बना सकते हैं, एग्जीक्यूशन में, ठीक है, एग्जीक्यूशन में, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कुछ ऑटोनॉमी दी गई है, मतलब एग्जीक्यूटिव कुछ अपने पावर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, डेवलपमेंट काम करने में, ठीक है, इस तब वेलफेयर के कार्य करने में, ठीक है। तो ये सब होता है, और कुछ जुडिशियल अधिकार भी उनको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये होते हैं ऑटोनॉमस काउंसिल, ठीक है। तो आपका ये एक टास्क है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि असम में कितने ऑटोनॉमस काउंसिल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मैं बता दे रहा हूँ, तीन हैं, ठीक है। आप इसको नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए तीनों का, और उसके साथ साथ मिजोरम का और त्रिपुरा का, ये दो तीनों स्टेट्स का जो ऑटोनॉमस काउंसिल के नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, प्लीज लिखिए, आई बेग टू से दैट, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये न्यूज मैं इसलिए ले रहा हूं कि कल कैबिनेट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूव किया है कि आने वाले जो सेशन होगा तो उसमें हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, आर्टिकल 280 में और सिक्स शेड्यूल में, ठीक, छठवें शेड्यूल में और आर्टिकल 280 में कुछ अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट से करके वो क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले जो वो चेंज कर रहे हैं वो ये कि अब क्या होगा कि फाइनेंस कमीशन जिस तरह से और भी स्टेट में क्या करता है कि वो रिकमेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए पैसा और लोकल बॉडीज़ के लिए पैसा, उसी तरह से अब ऑटोनॉमस बॉडीज़ के लिए भी ये रिकमेंडेशन देगा। पहला जो चेंज किया गया, पहला जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, ठीक है। अभी तक जो होता था कि जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती थी, ऑटोनॉमस काउंसिल्स होती थी, वो जो पैसा उनका आता था वो या तो स्टेट गवर्नमेंट देती थी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जो प्लानिंग सॉरी फाइनेंस कमीशन है वो भी इसको कंसिडर करेगी और रिकमेंड करेगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रपोजल है वो ये कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर द वीमेन, ठीक है। देखिए अभी पार्लियामेंट में और असेंबली के इलेक्शन में ये सब नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप पंचायत के इलेक्शन में देखिए तो वहां पर रिजर्वेशन है, ठीक है। उसी तरह से अब ऑटोनॉमस काउंसिल में जो इलेक्शन होंगे उसमें 1/3 कौन होगा, वीमेन होगा। ये एक प्रपोजल है जो कि अभी तक नहीं था, ठीक है। और ये मेघालय में नहीं होगा, केवल असम, मिजोरम और त्रिपुरा में होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इनका देखिए इससे क्या होगा कि जो फाइनेंस कमीशन ओ सॉरी जो फाइनेंस कमीशन है उनका जो रिकमेंडेशन होगा उनसे इनका जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने अमेंडमेंट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ एडिशनल 30 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, 30 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इनके एग्जीक्यूटिव अधिकार में ले आए जाएंगे, जिसमें कौन कौन से हैं, पब्लिक वर्क्स है, फैमिली हेल्थ है, इंजीनियरिंग है, फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, अर्बन डेवलपमेंट है, फूड एंड सिविल सप्लाई है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होंगी कि अब इसके क्षेत्राधिकार में आएंगी, ठीक है। तो ये तीन प्रपोजल है, ठीक है। और ये तीनों प्रपोजल कैसे किया जा सकता है, कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है किसमें, आर्टिकल 280 और सिक्स्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करके, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई फैक्ट की बात कि क्या क्या अमेंडमेंट किया जा रहा है और उससे क्या क्या फायदा होगा, ठीक है। अभी अगर इसकी बात हम अब पॉइंट पे आए तो जहां पे क्वेश्चन बनेगा सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अमेंडमेंट, ठीक है। तो पहला जो सिग्निफिकेंस होगा ये कि रीजनल ऑटोनोमी थोड़ा बढ़ेगी,
ठीक है, पहला। दूसरा जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे पहुंचेगी, ठीक है। तीसरा जो सिग्निफिकेंस है वो देखिए, विमेन एम्पावरमेंट, ऑब्वियसली 1/3 विमेन होंगी तो विमेन एम्पावरमेंट होगा, उसके साथ साथ सोशल एम्पावरमेंट भी होगा, ठीक है। क्योंकि आज जब देखिए, जब अगर कभी मैं विमेन एम्पावरमेंट पे आपको कोई टॉपिक डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि एक जो विमेन पंचायत का हेड होती है उसका फोकस किन किन चीज़ों पर होता है और उसका काम करने का तरीका क्या होता है, जिससे पूरी सोसाइटी स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। तो ये तीन सिग्निफिकेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं वो ये हैं, ठीक है। और चौथा, नेशनल इंटीग्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, नेशनल इंटीग्रेशन। आप देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको अधिकार दिया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, नेशनल फीलिंग उनके मन में डेवलप होगी जो कि नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा और भी तैयार हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज टोटल हमने लगभग चार टॉपिक पे हमने डिस्कस किया, चार क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कलेजियम सिस्टम पे डिस्कस किया, फिर हेल्थ सेक्टर पे डिस्कस किया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की हार्ड पावर पॉलिसी, मतलब कि हार्ड पावर पॉलिसी और डिफेंस सेक्टर का डिस्कस किया, और उसके साथ ऑटोनॉमस काउंसिल का, मतलब कि ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आज न्यूज के पेपर में ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, ठीक है, और यहीं पे इसीलिए आज मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और आपका केवल न्यूज पेपर ही नहीं, जीएस का भी पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए यूपी पीसीएस मेंस के पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।